बस कल का TSH का कार्ड है 11 नंबर। प्रोसेसर बता देता हूँ, बहुत इजी प्रोसीजर है, ठीक है। टेस्ट में करके छोड़ देते हैं, 15 मिनट का इसमें इंक्यूबेशन होता है, यहाँ पे सीधा आपने दे आप लोग देख दिया। सकते हैं, ये देखो अलार्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम कार्ड को निकालते हैं और सीधा इंसर्ट करते हैं, यहाँ से सीधा आपने पूरा टच कर देना है लास्ट तक, बिल्कुल सीधा टेस्ट पे क्लिक कर हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है फ्लूरोसेंस इम्यूनो एसे एनालाइजर, जो कि मैं बात कर रहा हूँ एक हार्मोन्स मशीन, जिसमें आप कार्डिक मार्कर से लेकर के आप इसमें PSC वगैरह सब रन कर सकते हो, और कार्ड सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, बहुत ईजी मशीन है, आपको ब्रीफली मैं समझाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहली वीडियो में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, मतलब पार्ट के बारे में, ठीक है, उसका कंसेप्शन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जो मैंने जानकारी दी है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो गाइज़ ये इसका मैनुअल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्लो करके दिखा देख सकता हूँ, आप इसको पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं बता देता हूँ, इसमें इम्यूनो पॉइंट एनालाइजर मैनुअल है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरे 14 पॉइंट है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली आपको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियोज लॉन्ग हो जाएगी। इंक्यूबेटर साथ में होता है, स्विच ऑन द इंक्यूबेटर, इसमें सारा कुछ लिखा है, ठीक है। ये इंक्यूबेट करता है कार्ड को, स्लॉट लगा देता है, फर्स्ट 2 स्लॉट ये लिखा है ना, इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट द QC कार्ड इन द सेकंड लास्ट स्लॉट, ठीक है। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप इसमें, और विद टाइमर सेट करके आप इसमें जो है, ठीक है। जो मान लो अगर आपने थायराइड लगाना है, तो थायराइड 15 मिनट का इंक्यूबेशन है, तो आपने 15 मिनट इंक्यूबेशन सेट करके इसमें कार्ड इंसर्ट करना होता है। तो मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। नीचे टेस्ट के बारे में लिखा है, ठीक है, टेस्ट को कैसे कैसे रीड करना है, सब चीज़ इसके बारे में दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एनालाइजर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम बात करते हैं इम्यूनो पॉइंट की, ठीक है। ये इसका इंक्यूबेटर है, ठीक है, दैट इज़ इंक्यूबेटर, दैट इज़ एनालाइजर, ठीक है। ये चिप सिस्टम्स होता है, ठीक है। ये चिप सिस्टम, हर चिप सिस्टम जो है, मतलब हर टेस्ट के साथ में अलग अलग है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये है विटामिन B12, ठीक है। लोट नंबर दिया हुआ रहता है, और बहुत इजीली इसको इंस्टॉल करते हैं। अभी कोई चिप ऐसी है नहीं जो मैं आपको बता दूंगा, बट बहुत ही, जब कभी कोई नया पैरामीटर आएगा तो मैं इंस्टॉल करके एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं इसमें टेस्ट कैसे रन करते हैं। ये किट्स हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि HB1C है, ठीक है। नीचे विटामिन डी है, फिर टोटल IG है, 3 है, TSH है, टोटल PSA है हमारे पास, और विटामिन B12 है, और हाई सेंसिटिविटी कार्डिक ट्रोपाई, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, HSCRP, इसका भी हम टेस्ट रन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी हम इनको ऑन करते हैं, ठीक है। पीछे इनके दो इंक्यूबेटर में भी पीछे स्विच होता है, और एनालाइजर में पीछे स्विच होता है। ये ऑन होती हैं, इंक्यूबेटर रेडी हो जाएगा। देखो आप इसमें जो टाइमर में बता देता हूँ, आप सेट कर सकते हो, ठीक है। 20 मिनट का इंक्यूबेशन है, 25 का है, तो 15 का, मोस्टली 15 का ही होगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो गई है। तो गाइज इसमें पासवर्ड आप डाल सकते हो, पासवर्ड सबका अलग अलग होता है, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे मेनुअल कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो हमारा 1 से 6 तक का पासवर्ड है, तो हमने इसको ऑन करा। ऑन करने के बाद ये ऐसे इस तरह का इंटरफेस दिखता है, पूरा डिस्प्ले आ जाता है। इसमें सिस्टम में आप जाते हैं, सिस्टम में आपको ये मिल जाएंगे, टेस्ट मैनेजमेंट सेटिंग, ऑपरेटर, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो मैं क्वालिटी कंट्रोल भी अभी कार्ड रन करके दिखा दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री में आप जाओगे, हिस्ट्री में आपको डाटा मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कितनी डेट से कौन सी डेट का आपको डाटा चाहिए, वो सारा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना, टेस्ट रन करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रन करते हैं QC वाला कार्ड, सिस्टम में जाएंगे और क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट QC में जाएंगे और ऐड QC पैरामीटर्स में ऐड, हमने यहाँ पे रिफरेंस रेंज डालनी होती है, देख सकते हैं आप, 0.42 से 0.51 रिफरेंस रेंज हमारी चल रही है, और कार्ड हमारे पास 1 मंथ का होता है, वो कार्ड मैं आपको दिखा दूंगा। तो लास्ट कंट्रोल हमारे कल लगे थे, आप लोग देख सकते हैं, 13/9/2024, ठीक है। तो आज लगाना है हमने, तो यहाँ पर पहले हम रिफरेंस रेंज को एंटर करते हैं, 0.42, 0.51, तो टारगेट वैल्यू निकल के आ जाती है। इसको हम यहाँ से कंफर्म करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे, लास्ट वाला जो आज की डेट का है उस पर क्लिक करेंगे, और कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कार्ड है, और 1 मंथ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर हमने रन करना है, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पे क्लिक कर देना है, ये अंदर ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्वालिटी चेक हो रही है, ये देख सकते हैं, QC रिजल्ट, टी वैल्यू आ गया, सी वैल्यू आ गया, ठीक है। ये सब यहाँ पे करंट QC रिजल्ट आ जाता है इसका, इसको निकाल के फिर से पोच में रख देंगे हम इसको, ठीक।
तो गाइस अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ, ठीक है। कोई भी एक कार्ड ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास कल का TSH का कार्ड है 11 नंबर, ठीक है। तो ये रन कर लेते हैं हम, ठीक है। वैसे तो फ्रेश रन करना चाहिए, बट मैं आपको प्रोसेसर बता देता हूँ, बहुत इजी प्रोसेसर है, ठीक है। टेस्ट में करके छोड़ देते हैं। 15 मिनट का इसमें इंक्यूबेशन होता है, यहाँ पे सीधा आपने ये देखो, ये इंक्यूबेशन रेडी हो गया है, ठीक है, 15 मिनट से। तो ये ना ऑटोमेटिक जो है कम होती चली जाएंगी, यहाँ से 14, 13, 12 ऐसे करके जब पूरा इंक्यूबेशन हो जाएगा तो यहाँ पे ये अलार्म दे देगा आपको। अलार्म देने के बाद आपको कार्ड निकाल लेना है, ठीक है। तो तब तक करते हैं हम थोड़ा सा वेट। तो गाइस इसमें ना थर्मल प्रिंटर भी लगा होता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर अभी हमने बंद करा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ठीक है। तो अभी हम हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर से शो हो जाता है, तो हम यहीं से रिज़ल्ट को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास 1 मिनट बचा है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो अलार्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम कार्ड को निकालते हैं और सीधा लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, यहाँ से सीधा आपने पूरा टच कर देना है लास्ट तक, बिल्कुल सीधा टेस्ट पे क्लिक कर देना है, ये अंदर ले लेगा कार्ड को, देख सकते हैं टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कल जो था इस पेशेंट की वैल्यू 11 थी, लेकिन ये कार्ड हमारे पास कल का पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं 8.34 है, ठीक है। यानी कि इसका टेस्ट बढ़ा हुआ है। यहाँ से कार्ड निकालेंगे, ठीक है, और इसको आप डायरेक्टली पीछे से बंद कर सकते हैं, इंक्यूबेटर को भी बंद कर सकते हैं। तो बस ये थी एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। बहुत ही सिंपल एनालाइज़र है, कार्ड सिस्टम है, इंसर्ट करो और 15 से 20 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।